गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 22 वीडियो चैप्टर का पार्ट 22 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 पे है और एक्सरसाइज है आपका 15.10। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कुछ आदमियों के बीच कुछ रुपए इस तरह बांटे गए कि दूसरा आदमी पहले आदमी से 1 रुपए अधिक, तीसरा आदमी दूसरे आदमी से 2 रुपए अधिक और चौथा आदमी तीसरे आदमी से 3 रुपए अधिक इत्यादि पाता है। मतलब इसी क्रम में आगे बढ़ते जाइए। यदि पहला आदमी 1 रुपए और अंतिम आदमी 67 रुपए पाता हो तो आदमियों की संख्या बताइए। तो यहां मान लेंगे कि माना आदमियों की संख्या बराबर में n, आदमियों की संख्या क्या मान लिया, n मान लिया, यानी कि ये an हो जाएगा, an बराबर 67 रुपए। समझ रहे ना बात को? अंतिम आदमी वो nवां व्यक्ति ना होगा, यानी कि an बराबर 67 रुपए। अच्छा, यहां से हमें जो अनुक्रम प्राप्त होगा वह अनुक्रम किस तरह से होगा, थोड़ा देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि पहला आदमी कितना रुपए लेता है, 1 रुपए, ठीक है। अच्छा, जब दूसरे व्यक्ति की बारी आती है तो दूसरा आदमी जो है पहले व्यक्ति से 1 रुपए अधिक लेता है, तो पहला 1 रुपए लेता है तो दूसरा कितना लेगा, 2 रुपए। चलिए, अच्छा, और तीसरा आदमी क्या होगा, तो तीसरा आदमी दूसरे आदमी से 2 रुपए अधिक, तो दूसरा आदमी 2 रुपए लेता है तो कितना लेगा, 4 रुपए, 2 रुपए अधिक हो रहा है ना। चलिए, उसी तरह से चौथा आदमी जो है तीसरे आदमी से 3 रुपए अधिक लेता है, है ना, यानी तीसरे आदमी से ये 3 रुपए अधिक लेगा तो कितना हो जाएगा, 7 रुपए हो जाएगा। इसी क्रम में ये बढ़ेगा और अंतिम व्यक्ति को कितना मिलता है, 67 रुपए मिलता है। सब रुपया में है, ध्यान रखेंगे ये सब चीजें रुपया में दी गई हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो टोटल यहाँ एन व्यक्ति है तो इन सब का योग आपका एस एन कहलाएगा। तो एस एन को आप यहाँ 1+2+4+7+... कहाँ तक, ए एन तक रख सकते हैं ना, ये 67 जो है एन का ही ना मान है। चलिए, अच्छा, अब क्या करते हैं, ये देखिए, ये आपको एपी में नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए हम लोग फिर दोबारा एस एन लिखेंगे और यहाँ एक अल्टरनेटली 1 फिर 2 फिर 4, है ना, इसी तरह से 7 डॉट 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 कहा तक, यहाँ आ जाएगा ए एन माइनस वन और इसके बाद आ जाएगा ए एन, ठीक है। चलिए, अब इसमें से इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो साइन बदलेगा ना। चलिए, ठीक है, ये घटेगा तो 0, यहाँ होगा 1+1+2+3, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अच्छा, ये तो माइनस का ए एन है, अच्छा इसके एक पहले वाला पद क्या लेते हैं, तो वो एन माइनस वन पदों तक जाएगा, एन माइनस वन पद तक किया गया है। अच्छा, ये माइनस का ए एन इधर आके प्लस का एन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 1+, इसको अलग ले लेते हैं, 1+2+3 कहाँ तक चला गया है, एन माइनस वन पदों तक, समझ रहे ना। अब सोच रहे होंगे कि सर पहले आप एन पद तक जा रहे थे, एन पद यहाँ लिख रहे थे, अब एन माइनस वन क्यों लिए, क्योंकि देखिए पिछले क्वेश्चन में जो भी आपको बताए होंगे इसको इंक्लूड किया गया था, यहाँ इंक्लूड करेंगे तो एपी में नहीं रह जाएगा, इसलिए इसको छांटना पड़ा, समझ रहे ना इस बात को, समझ गए। चलिए, अब आगे देखिए। चलिए, तो यहाँ से अब आपका हो जाएगा एन बराबर 1+, यहाँ देखिए फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये पदों के योग के रूप में है, तो देखिए अंतिम पद एन माइनस वन पद तक गया है ना, तो एन बाई टू ब्रैकेट में 2 × 1 जगह पे है 1 प्लस एन माइनस, तो इनके जगह पे ये रहेगा ना एन माइनस वन माइनस वन और इंटू में डी, तो डी क्या आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 1 ही ना आपका। चलिए, अच्छा, एन का मान यहाँ चाहे तो 67 रख सकते हैं, क्योंकि एन का मान 67 आप लोग ऊपर लिखे हैं, प्लस में एन माइनस वन और बटा में है आपका 2, अंदर देखिए क्या होगा, 2+n-2, यहाँ 2 से 2 काट दे। चलिए, अब आपका हो जाएगा 67 बराबर में 1+n-2 और इंटू में आपका n, ठीक है। अब देखिए, यहाँ एक को ला के इधर घटा दे तो यहाँ हो जाएगा 67 में से एक घटा देंगे तो 66, ये घट गया, फिर बच जाएगा ऊपर इंटू कर दीजिए n² - n बट्टा में 2 जाके इधर गुणा कर देगा 132 बराबर में n² - n, क्लियर इतना। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर में n² - n - 132, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, n² - n - 132 बराबर में 0, ठीक है। चलिए, अब बीच वाले का फैक्टर करते हैं,
एन स्क्वायर माइनस का 12, एन प्लस का 11, एन माइनस का 132 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए एन, एन माइनस 12, फिर प्लस 11 कॉमन कर लीजिए, यहाँ एन माइनस 12 आएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, एन माइनस 12 इंटू में एन प्लस 11 बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए, एन माइनस 12 बराबर में 0 और यहाँ से एन प्लस 11 बराबर में 0। यहाँ से एन का मान आपका 12 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 11। इसलिए व्यक्तियों की संख्या, या आदमी थे ना, आदमियों की संख्या एक ही बात है, आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या बराबर में हो जाएगा 12। अब सोच रहे होंगे कि सर माइनस 11 क्यों नहीं लिए, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या माइनस में थोड़ा होगा, प्लस में ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि विषम प्राकृत संख्याओं को निम्न प्रकार से समूहों में बांटा गया। देखिए समूह बनाया गया, पहले समूह में 1-3 है, दूसरे समूह में 5, 7, 9, 11, तीसरे समूह में आपका है 13, 15, 17, 19, 21, 23, ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। तो दिखाइए कि इनमें समूह के संख्याओं का योगफल 4n³ होगा, ये आपको साबित करके दिखाना है। यहाँ जो भी आप समूह देख रहे हैं, चाहे ये समूह है चाहे ये समूह है, प्रत्येक समूह दिख रहा होगा एपी में दिख रहा है, एपी में दिख रहा है ना, है ना। और प्रत्येक का सार्वंतर कितना है, 2-2 है। यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ यहाँ प्रत्येक समूह की संख्याएं एपी में है, जिनका सार्व अंतर 2 है। देख रहे ना, प्रत्येक का सार्व अंतर कितना है, 2 है। दो दो के अंतर पर बढ़ते जा रहा है। चलिए अतः एनवे समूह, यानी कि जो आपको निकाला है ना एनवे समूह का योग, तो एनवे समूह की संख्याएं भी एपी में होंगी। ठीक है, एनवे समूह की संख्याएं भी क्या होगी, एपी में होंगी, और उनका भी सार अंतर क्या होगा, 2b होगा। चलिए तो जिसका सार्व अंतर 2 है, उसका भी सार अंतर क्या होगा, 2 होगा। समझ गए, यानी कि हमें जो समूह निकालना है, इनमें समूह का योग निकालना है हमें ना, वो 4n³ होगा, वो आपको दिखाना है। तो इनमें समूह की संख्याएं भी क्या होंगी, एपी में होंगी, और जिनका सार्व अंतर क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, यहाँ जो प्रत्येक समूह देख रहे हैं, चाहे आप पहले देखें, पहले दूसरे तीसरे, है ना, इसी तरह से आप चौथा भी तो बता सकते हैं। जितने भी समूह दिए गए हैं, समूह में पदों की संख्याएं क्रमशः कितनी है, तो इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसी तरह ना है, 2, 4, 6, ... इसी तरह से है। अगले में कितना हो जाएगा, तो यहाँ बढ़ दिया और 2, 8 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। चलिए तो इस तरह से ये 2, 4, 6, 8 ये किस में देख रहे हैं, एपी में देख रहे हैं ना ये। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस एपी का एनवा पद क्या होगा, इस एपी का एनवा पद, ठीक है, तो इस एपी का एनवा पद क्या हो जाएगा आपका, तो उसको बराबर में ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 2। समझ रहे ना, तो हो जाएगा 2 + 2n - 2, तो यहाँ 2 से 2 का जगह, यानी 2n। यानी यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं समूह, तो इसमें जो एनवा समूह होगा, एनवे समूह में कितने अवयव होंगे, 2n अवयव होंगे, मैंने ना 2n अवयव होंगे, क्योंकि ये जो 2, 4, 6 क्या दिखा रहा है, अवयवों की संख्या ना दिखा रहा है। यहाँ से ये पता चला कि एनवे समूह में 2n अवयव होंगे, समझे इतना। चलिए अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ समूह के पहले पद क्रमशः देखिए, इसके समूह के पहले पद कौन है, तो यहाँ 1 है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 13 है। अच्छा, इसका अगला जो समूह होगा उसमें कौन सा अवयव से शुरू होगा, 25 से ना शुरू होगा,
देख रहा है ना, दो दो के अंतर पर शुरू होते जा रहा है, या 23 के बाद 25 ही ना आएगा। चलिए यानी कि 1 5 13 25, 1 5 13 25 लिख सकते हैं, 1 5 13 25 इसी तरह से बढ़ रहे हैं, प्रत्येक के पहले पद यही है क्रम सा। अच्छा यहाँ पे आपको समझ में आया ना, तो यहां मान लेंगे कि यदि यदि सभी समूहों के पहले पदों का योग S है ना, मान लिए कि यदि सभी समूहों के पहले पदों का योग क्या है, S है, ठीक है। चलिए और साथ ही ये मान लेते हैं और nवे समूह का पहला पद हो तो S बराबर आपका हो जाएगा 1 5 13 25, कहाँ कहाँ तक, ये तो डॉट ए एन तक, समझ गए ना। तो यहाँ मान लिए हैं कि ये जो आपका ये आया है ना, ये सभी समूह का पहला पद है, तो इन सभी समूह के पहले पदों का योग हम लोग S मान लिए, यहाँ S बराबर ये प्लस में देखे लिख सकते हैं ना, कहाँ तक, तो nवे पद तक जाना है। ये एन क्या है, तो ये nवे समूह का पहला पद है, एन क्या है, nवे समूह का पहला पद है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, nवे समूह का पहला पद है। चलिए तो वो क्या है, ए एन है, समझिए। अब यहाँ पे तो अब फिर दोबारा S बराबर लिखेंगे, यहाँ पे अल्टरनेट करके 1 5 13 25 ऐसे ही ना आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ हो जाएगा ए एन माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा ए एन। अब यहाँ इसमें इससे घटाते हैं, चलिए घटाइए यहाँ पे माइनस देखे, चलिए तो ये घटाएंगे तो जीरो, यहाँ हो जाएगा 1 4 8 12, इसी तरह ना आगे बढ़ेगा। अच्छा ये कहाँ तक जाएगा, एन माइनस वनवे पद तक और माइनस में ए एन। अब यहाँ पे इसलिए ये दिए क्योंकि ये वन को इंक्लूड नहीं करना, देखिए ये एपी का पद नहीं हो रहा है, अगर इसको छोड़ा जाएगा तभी ये बाकी सब पद एपी में आएंगे, है ना। तो यहां से अब ए एन बराबर ये इधर आ जाएगा ना प्लस का, ए एन बराबर हो जाएगा 1 प्लस, ब्रैकेट के अंदर अलग से इस सबको दे देते हैं, ठीक है, यहां से हो जाएगा आपका, सॉरी यहां से ये आपका हो जाएगा 1 में क्या करेंगे, तो इनको आप एपी के रूप में लिख देंगे यहां पे प्लस में, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस डॉट 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 कहां तक, एन माइनस वनवे पद तक, ठीक है। इस वीडियो में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एक दो बार रुक गया है वीडियो, तो यहां से अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ देखिए ये कैसे है, तो एपी के रूप में है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका योग निकालना है ना आपको, तो क्या हो जाएगा एन बाई टू, तो एन माइनस वन तक पद गया है, तो एन माइनस वन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a, तो 2a के जगह पे कितना है 4 प्लस n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 माइनस 1 और इनटू में d, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 ही ना आएगा। चलिए ब्रैकेट बंद करते हैं, आगे सॉल्व करिए, तो an बराबर हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट में 4 2 8, यहाँ देखिए ये माइनस का 2 हो जाएगा n माइनस 2 और इनटू में आपका 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो अब आपका हो जाएगा यहाँ से ए एन बराबर 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट में अंदर 8 प्लस 4n और माइनस का 8 से 8 काट देंगे, यहाँ बचेगा ए एन बराबर 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर आपका 4n, यहाँ इसको काट देते हैं दो बार में, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में आपका क्या है 2n, ठीक है, इंटू कर देते हैं तो ए एन बराबर यहाँ से आ जाएगा, इसमें इंटू कर दे 2n² - 2n + 1, देखिए यानी कि ये जो प्राप्त हुआ आपको, आपका जो nवा समूह होगा, nवा समूह, तो यहाँ लिख सकते हैं कि nवे समूह का प्रथम पद, nवे समूह का प्रथम पद n ही ना था, तो ये हो जाएगा आपका 2n² - 2n + 1। अच्छा nवे समूह के अवयवों की संख्या, nवे समूह के अवयवों की या संख्याओं की संख्या
अब यवों की संख्या या संख्याओं की संख्या, ये भी कर सकते हैं। तो दो कितना है आपका, 2n आया था ऊपर, आया था ना। चलिए, और प्रत्येक समूह का जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर यानी कि d का मान, वो हमेशा क्या रह रहा है, 2 रह रहा है, रह रहा ना। तो प्रथम पद पता ही चल गया, अवयवों की संख्या पता ही चल गई, और सार अंतर भी पता ही चल गया। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे nवे समूह के अवयवों का योग या संख्याओं का योग Sn। तो Sn बराबर क्या होता है, n बाई टू। तो पदों की संख्याओं की संख्या यहाँ 2n है ना, तो 2n बाई टू ब्रैकेट में 2 इंटू प्रथम पद यानी कि 2n स्क्वायर माइनस में 2n प्लस में 1 माइनस में 2n प्लस में 1। ठीक है, तो n बाई टू 2a हो गया, और प्लस n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू d के यहाँ पे क्या है आपका 2 है। चलिए ब्रैकेट बंद करते हैं, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा n, ब्रैकेट के अंदर चलिए इसमें इंटू करिए, तो 4n स्क्वायर इसमें इंटू करिए, तो माइनस का आपका आ जाएगा 4n और प्लस का 2, यहाँ भी हो जाएगा प्लस का 4n और माइनस का 2। देखिए ये सब तो कट जाएगा ना, इसमें इसे इंटू कर दिए, तो यहाँ से आ गया नहीं 4n क्यूब आपका योग, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कह रहा निम्नलिखित श्रेणी के n पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए। ध्यान रखेंगे कि ये इसमें कह रहा है ऊपर ही आपके पास कि जब श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर जीपी में है, ये किसमें है, जीपी में है। चलिए, तो n पदों का जोड़ आपको ज्ञात करना है, तो इसे हम लोग Sn के रूप में मान लेते हैं। Sn बराबर 2 + 5 + 14 + 41 प्लस, ये कहाँ तक गया होगा, An तक गया होगा ना। चलिए ये हम लोग यहाँ पे मान लिए, समझ गए ना, Sn यानी कि n पदों का योग होगा, ये प्रथम n पदों का योग ही ना होगा। चलिए अब हम Sn बराबर दोबारा से अल्टरनेट यहाँ पे 2 + 5 + 14 + 41 .. an माइनस 1 और प्लस में an लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए यहाँ पे घटाते हैं, माइनस करते हैं, साइन बदल देंगे सबका। चलिए यहाँ देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, बराबर में 2 प्लस, यहाँ घटेगा 3, यहाँ घटेगा 9, यहाँ आपका आ जाएगा 27 है ना, प्लस .. कहाँ तक, तो ये n माइनस 1 पद तक। ठीक है, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करना, इसको हटाना पड़ेगा तब ना ये आपका जीपी में होगा। चलिए, तो और माइनस में an, इधर आके ये प्लस का an हो जाएगा, तो an बराबर हो जाएगा 2 प्लस, इसको अलग रखते हैं, 3 + 9 + 27 ये कहाँ तक गया है, n माइनस 1 पदों तक, n माइनस 1 पदों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो यहाँ an बराबर अब लिख सकते हैं 2 प्लस, ये देखिए ये जीपी के फॉर्म में दिख रहा है ना, इनका कॉमन रेशियो इक्वल है, तो ये योग के रूप में है, तो यहाँ किस तरह से लिखेंगे जीपी के पदों का योग कैसे निकाला जाता है, तो होता है a, ये के जगह पे 3 है, r, तो r इसमें भाग करेंगे तो पता चलेगा वो भी 3 आ जाएगा, 3 का पावर n यानी n माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, माइनस 1 बटा में r माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 2 + 3/2 ब्रैकेट के अंदर 3 का पावर n माइनस 1 और माइनस में 1। चलिए an बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 2 प्लस, इसमें से इंटू करिएगा, तो यहाँ 3 का पावर 1 है ना, और इसमें इंटू होगा तो यहाँ 1 और माइनस 1 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 3 का पावर n बटा में 2। ठीक है, अच्छा इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 3/2। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से an बराबर इसमें से इसको घटा लेते हैं, चलिए 2 - 3/2 प्लस में, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 इंटू 3 का पावर n लिख सकते हैं बिल्कुल, या एलसीएम लेंगे 2 × 4 - 3 ठीक है, और प्लस में है 1/2 × 3^n यानी कि यहाँ से an बराबर आ गया 1/2 + 1/2 3^n। अब इसका योग ना निकालना है आपको, यानी कि Sn निकालना है, तो सिग्मा an हो जाएगा फॉर्मूला इसका, सिग्मा an का वैल्यू यही ना होगा 1/2 + 1/2 × 3^n यही हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए अलग अलग बांट दीजिए, सिग्मा 1/2 और प्लस 1/2 यहाँ बाहर निकल जाएगा, सिग्मा 3^n, तो इसका तो n खाली लग जाएगा है ना कांस्टेंट का, तो 1/2n, इसका मतलब ये ना कि 1/2 n टाइम्स है, तो होता है ना n इंटू a फॉर्मूला, तो 1/2 × n हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/2। अच्छा यहाँ इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं,
यहाँ सिग्मा 3 का पावर n को 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 3 का पावर n तक, ये ना कर सकते हैं। चलिए तो 1/2 n है ना, और प्लस में 1/2, इसे यहाँ देखिए ये भी जीपी के फॉर्म में दिख रहा है ना, यहाँ फॉर्मूला फिर दोबारा लग जाएगा, ए आर का पावर, तो आर घटेगा तो यहाँ यह भाग होगा तो कितना जाएगा, 3 आएगा, तो आर का पावर एन माइनस 1 बटा में आर माइनस 1। चलिए इसे आप एन बाई 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ऊपर 3 1 3, नीचे घटेगा ये तो 2 2 2 4 नहीं कर सकते हैं, पावर में 3 का पावर n माइनस 1, ये ना हो जाएगा, तो यहाँ से ये आपका योग निकल गया, समझ गया। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और इससे रिलेटेड जो भी लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पर व्हाट्सअप SMS भेज के चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज इस पर कॉल नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।